ये मोदी जी के ही जो बीजेपी के कुछ कुछ एक क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री हैं निर्वाचित, उनको समझ में नहीं आ रहा। आराम से, यहाँ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं, हम गिरफ्तारी देना चाह रहे हैं, हम जेल जाना चाह रहे हैं, आप हमें वापस धकेल रहे हैं, मत धकेलिए, हमें लीजिए, बिठाइए बस में, ले जाइए जेल को। हम देखना चाहते हैं आपकी जेल की चार दीवारें हमें कब तक बंद करके रख सकती हैं। बंद जेलों में से भी किसान की आवाज़ के नारे, जय जवान जय किसान का नारा गूंजता हुआ सुनाई देगा चार दीवारी से। हमारे मोदी जी ने कहा है कि आजकल लोग क्या बोलते हैं आंदोलनजीवी हो गए, तो हाँ है, हम आंदोलनजीवी, हम सच को सच और गलत को गलत बोलने में सक्षम है, इसलिए हम आंदोलन करते हैं। क्या गलत करते हैं हम आंदोलन करके? 2014 के बाद बीजेपी भी तो वही कर रही थी ना। नमस्कार, आप भोजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूँ। फिलहाल हम संसद मार्ग पर मौजूद हैं, जहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। हम आपको यहाँ से तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस तरह से युवा, जो कांग्रेस पार्टी के युवा हैं, वो संसद घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बैरिकेड्स हैं, उसके आगे पुलिस फोर्स भी है, उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। तो यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रोटेस्टर्स को वापस भेजा जा रहा है। आज यूथ कांग्रेस के देश भर से यहाँ युवा आए हुए हैं और आज संसद घेराव होने वाला था, लेकिन फिलहाल जो स्थिति देखी जा रही है उसको देखे कहा जा सकता है कि संसद तक यूथ कांग्रेस के सदस्य अभी नहीं पहुँच पाए हैं। हालांकि काफ़ी जद्दोजहद हुई, वहाँ आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगे गए हैं और बैरिकेड्स के आगे जो लोग गए हैं उन्हें डिटेन कर लिया गया है। आइए लोगों से बात करते हैं। महिलाएं भी यहां पर बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ चुकी हैं, इधर दिखाएं। बता दें कि ये संसद घेराव पिछले दो महीने से ज्यादा जिस तरह से किसान अभी कुछ दिनों पहले जब आप आंदोलन कर रहे थे तो आपके हाथ में चोट आ गई थी, आज भी कुछ ऐसा ही मंजर यहां पर है, क्या लग रहा है, जाने दिया जाएगा आप लोगों को? नहीं, देखिए काफ़ी लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं, अरेस्ट होने वालों की कमी नहीं है, बसें कम पड़ गई हैं। अच्छा। तो हम दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं और बसें ले आइए, ये सब जेल भरो आंदोलन है क्या? जेल तक ले जाएंगे तो अपने आप को हम भाग्यशाली मानेंगे। ये आज़ादी का आंदोलन, आंदोलन जीवी जेलों में जा जाकर कुर्बानियाँ देकर यहाँ तक आज़ादी पहुँची, आज हमें बस उस आज़ादी की हिफाजत करनी है जिस आज़ादी का हनन केंद्र में बैठी सत्ता करना चाह रही है। हमारे हक अधिकार आवाज़ों को षड्यंत्र करके कुचल रही है, हमारे अन्नदाताओं के साथ अन्याय हो रहा है। जेल कम पड़ जाएंगी, बसें तो कम पड़ी गई हैं, अभी बहुत से युवा यहाँ से कोई नहीं गया है तैयार। को चोट भी लगी है काफी गहरी, उन्हें वो बैरिकेड पर से नीचे गिर गए थे, क्या कहिएगा? जिस तरह से हमला करती है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपके हाथ में भी चोट आई, उन्हें भी चोट आई। देखिए हम ये कह रहे हैं, हम गिरफ्तारी देना चाह रहे हैं, हम जेल जाना चाह रहे हैं, आप हमें वापस धकेल रहे हैं, मत धकेलिए, हमें लीजिए, बिठाइए बस में, ले जाइए जेल को। हम देखना चाहते हैं आपकी जेल की चार दीवारें हमें कब तक बंद करके रख सकती हैं। बंद जेलों में से भी किसान की आवाज़ के नारे, जय जवान जय किसान का नारा गूंजता हुआ सुनाई देगा चार दीवारी से। यानी एक तरह से जो यूथ कांग्रेस है वो यहाँ पर जेल भरो आंदोलन करने की पूरी तैयारी में है। और जैसा कि अलका लांबा ने बताया कि यहाँ जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं वो गिरफ्तारी देना चाहते हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। यहाँ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से महिलाएँ भी अब बैरिकेड के ऊपर चढ़ चुकी हैं और किसानों को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर के आज ये संसद घेराव होने वाला है। एक महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि अभी बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्या स्थिति है पहले वहाँ की बताइए। पहली बात तो ये कि उन लोगों ने उस साइड हमको डिटेन, हम चाह रहे हैं कि हमको डिटेन किया जाए, लेकिन वो लोग गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, वो लोग वापस इधर लाठियाँ मार मार के इधर डाल रहे हैं, हमको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। आज संसद घेराव था, आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? हम ये कहेंगे कि इतना क्यों डर है, मतलब वो खुद बोलते हैं ना, हमारे मोदी जी ने कहा है कि आजकल लोग क्या बोलते हैं आंदोलन जीवी हो गए, तो हाँ है, हम आंदोलन जीवी, हम सच को सच और गलत को गलत बोलने में सक्षम है, इसलिए हम आंदोलन करते हैं। क्या गलत करते हैं हम आंदोलन करके? 2014 के बाद बीजेपी भी तो वही कर रही थी ना, वो आंदोलन नहीं था क्या जिसमें स्मृति ईरानी टंकियों को ले लेके बैठ जाती थी? अगर आपका आंदोलन सही था तो हमारा आंदोलन गलत कैसे? अच्छा, किसान इतने दिन से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उन पर तो कोई सुनवाई हो नहीं रही है, क्या लगता है आप लोग की बात सुननी चाहिए? हमारी बात सुने बहुत अच्छी बात है, किसान अभी क्या हो गया कि मोदी सरकार ने इसको अपनी नाक का विषय बना लिया है। ये नाक का विषय क्यों है आपके लिए, क्यों इतना गुरूर आ गया है आपको? गुरूर तो राजा रावण का नहीं टिका तो आपका क्या टिकेगा?
ये बताइए कि अभी जिस तरह से मोदी जी ने कह दिया है कि ये बिल्कुल सही समय है इस कानून को लागू करने का, दूसरी तरफ किसान बैठे हुए हैं लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, क्या कहिए? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि वो बोलते हैं कि किसानों को काला कानून समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के ही जो बीजेपी के कुछ कुछ एक क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री हैं निर्वाचित, उनको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके खुद के जो कुछ एक मुख्यमंत्री, उनको ये काला कानून समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जिस प्रदेश से आती हूँ मध्य प्रदेश से, वहाँ के ही मुख्यमंत्री साहब ने ये बोला है कि अगर हमारे धान, हम लोग जब धान खरीदी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश वालों को प्राथमिकता देंगे। तो क्या बोल के ये बोलते हैं कि आपको मंडी का कोई क्या बोलते बंधन नहीं रहेगा और आप कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं? ये बताइए कि अभी जिस तरह से डिटेन किया जा रहा है लोगों को, और एक तरह से वहाँ आपने जब बॉर्डर्स की बात करें तो वहाँ पर कांटे गाड़ दिए गए हैं, तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं सरकार अपना रही है उस पर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात तो हमारी वित्त मंत्री जी कहती हैं कि हमको चीज़ों को किराए पे इसलिए देना पड़ रहा है, इन शॉर्ट हमको हमारी जो शासकीय चीज़ें उनको बेचना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारी GDP गिर रही है, हमारे पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो आप किस खुशी में रोड खोद खोद के उसमें खीले गाड़ रहे हो? हमारे आप पब्लिक का इनकम टैक्स का पैसे ही तो बर्बाद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप ये चीज़? मत करो, एक बार सुन लो किसानों की बात। और पहली बात तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्यों नहीं उनकी बात सुनी जाती? क्यों उनकी आवाज़ को दबाया जाता है? क्यों जो भी व्यक्ति आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं? ये बताइए, महिलाओं पर ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि महिलाओं को आंदोलन में आने की क्या ज़रूरत है, उसके बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि आंदोलनजीवी लोग हैं, आज फिर से यहाँ आंदोलन हो रहा है, क्या कहिएगा? महिलाओं को अगर आंदोलन में आने की जरूरत नहीं तो महिलाओं से वोट मांगने की भी क्या जरूरत है? उस टाइम तो आप बड़े उससे आते हो कि नारियों का सम्मान करते हैं हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो महिला अगर आवाज़ उठाना चाह रही है आपके खिलाफ तो आप उसकी आवाज़ दबा रहे हो? जो लोग बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोकती नजर आ रही है। ये देखिए, अरे एक और महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्या लग रहा है आगे जाने दिया जाएगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे महिला पुलिस हम लोगों को गले पकड़ रही है, धक्का दे रही है। हम लोग तो हमारी डिमांड व्यक्त कर रहे हैं ना, हमारी डिमांड यही है कि किसान का बिल जो है फार्मर्स के साथ आप डिस्कस करो, डिस्कस करने के बाद अगर उनको सही लगे तो आप बिल जारी करो। हम बिल जारी कर रहे हैं, किसान बिल है ना, किसके लिए जारी कर रहे हैं? किसानों के लिए जारी कर रहे हैं। अगर वो लोग इसके विरुद्ध है, यहाँ दिल्ली में कैपिटल सिटी में आके इतना हल्ला मचा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगा। किसानों के हित में तो नहीं है ये बिल। इसके विरोध करने के लिए सभी युवा कांग्रेस संगठन हमारे अध्यक्ष BV श्रीनिवास जी के नेतृत्व में आज पार्लियामेंट घेराव कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि पुलिस भी कितनी हमें डिटेन किया जा रहा है। जी डिटेन करके एक गाड़ी तो गई है, गाड़ी तो फुल है और एक गाड़ी जा रही है। तो आप लोग इधर भी देख रहे हैं कितने सारे भीड़ है, इतने सारे लोगों को अरेस्ट कर सकती है तो करने दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम भी डिटेन होने के लिए रेडी है। यहाँ आप देखिए किस तरह से यूथ कांग्रेस के लोग धरने पर बैठ चुके हैं, इन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए वे उसी जगह पर बैरिकेड से थोड़ा सा पीछे बैठ गए हैं और घेराबंदी करके ये लोग बैठ गए हैं। हालांकि पुलिस फोर्स उन्हें उठाने की कोशिश कर रही है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से बलपूर्वक इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घसीट करके ले जाया जा रहा है। यहाँ तस्वीर दिखाइए,